नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हुए, जयपुर से बड़ी खबर है, एसआई भर्ती परीक्षा पेपर लीक कांड से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर और अपडेट बताते चले। मामले में अब तक 14 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार हो चुके हैं। एक परीक्षा केंद्र का अधीक्षक राजेश खंडेलवाल भी गिरफ्तार हुआ है। गिरफ्तार ट्रेनी इंस्पेक्टर में परीक्षा का टॉपर नरेश कुमार भी शामिल था। नागौर के एक डिप्टी एसपी का बेटा करण पाल भी गिरफ्तार हुआ है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं आरोपी की, जिसने पेपर लीक में बड़ी भूमिका निभाई। करण पाल गुदारा ने परीक्षा में 22वीं रैंक हासिल की थी। आज सभी 15 आरोपियों को कोर्ट में पेश करने की तैयारी एसओजी की ओर से की जा रही है। तो खंडेलवाल की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। एक और नाम सामने आया है, परीक्षा केंद्र का अधीक्षक है ये राजेश खंडेलवाल, जिसे गिरफ्तार किया गया है। सहयोगी विष्णु इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विष्णु, खुलासे लगातार होते चले जा रहे हैं, एसओजी की ओर से आज कोर्ट में पेशी भी की जानी है, रिमांड पर मांगा जाएगा सभी को आज। देखिए बिल्कुल, ऐसा ही भर्ती 2021 पेपर लीक कांड में बड़ी गिरफ्तारियां कल हुई है, क्योंकि दो दिन से लगातार ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर से पूछताछ चल रही थी, जिसके बाद में कल एसओजी की एसआईटी टीम ने आखिरकार 14 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उसके अलावा एक परीक्षा केंद्र के जो अधीक्षक है राजेश कुमार खंडेलवाल को भी एसओजी ने गिरफ्तार किया है। उसकी वजह यह है कि इस परीक्षा का जो पेपर लीक था हुआ था जयपुर के हसनपुरा में रविंद्र भारती स्कूल से, और इसी के अधीक्षक राजेश कुमार खंडेलवाल को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया था। साथ में ये सामने आया कि राजेश कुमार खंडेलवाल ने ही नकल माफिया जगदीश बिश्नोई के मार्फत इस पेपर को लीक किया। करीब 50 लाख रुपए में इस पेपर का सौदा हुआ था। और आखिरकार कड़ी से कड़ी को जोड़ते हुए एसआईटी की टीम ने इन आरोपियों को जब गिरफ्तार किया, तो उनमें एक बात ये भी सामने आई कि जो 14 ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स हैं, उनमें से एक कर्णपाल गोदारा नागौर के डिप्टी एसपी का बेटा है, और इस भर्ती परीक्षा में कर्णपाल ने 22वीं रैंक हासिल की थी। और वही सबसे खास बात ये भी इस पूरे मामले में सामने अब तक आई है कि इस परीक्षा का टॉपर नरेश कुमार खिलेरी, जो जिसने नंबर 1 रैंक हासिल की थी, वो नरेश कुमार को भी एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो पूरी जो परीक्षा है वो सवालों के घेरे में, अब देखना होगा कि क्या इस परीक्षा को निरस्त किया जाएगा, क्या रद्द किया जाएगा, या फिर आने वाले वक्त में जो अभ्यर्थी जिनका भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है, उनके साथ क्या होने वाला है। जी बिल्कुल विष्णु, लगातार परीक्षा सवालों के घेरे में भी आ रहा है, और अब सवाल सबसे बड़ा यही है, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा ने भी कल कहा था कि सरकार से बातचीत करके परीक्षा को रद्द करवाएंगे, उसे लेकर कुछ प्रोसेस आगे बढ़ा है क्या? देखिए मैं बताना चाहूंगा, किरोड़ी लाल मीणा कल एसओजी मुख्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने एडीजी वीके सिंह से मुलाकात की। किरोड़ी लाल मीणा का यह दावा था कि इस परीक्षा में करीब 400 अभ्यर्थी, यानी कि 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि इस पेपर माफिया के जरिए इनका चयन हुआ है। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा दर्शकों को कि 859 पदों के लिए ये भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी 2021 में, जिसमें से करीब 752 लोगों का चयन हुआ। उनमें से करीब 14 जो ट्रेनिंग सब इंस्ट्रक्टर्स हैं वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि आधे चयनित हुए आधे अभ्यर्थी ऐसे हैं, सब इंस्ट्रक्टर ऐसे हैं जो कि पेपर माफिया से सेटिंग करके लाखों रुपए देकर के इस परीक्षा में आए, और उनकी जांच हो करके, यानी गहनता से इसकी जांच हो, और वे सभी अभ्यर्थी 50% तक अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने गड़बड़ झाला कर इस परीक्षा को पास किया है। ऐसे में बड़ी बेईमानी सभी अभ्यर्थियों के साथ, आप नजर बनाए रखिएगा। विष्णु बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और अपराध की दुनिया से जुड़े उन दो चेहरों से जो अब शादी करने जा रहे हैं, कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के इंस्टीट्यूटर संदीप उर्फ काला जठेड़ी अब एक देसी लेडी डॉन से शादी करने जा रहा है, जिसे राजस्थान में रिवॉल्वर रानी के नाम से जाना जाता है। काला जठेड़ी 7 फेरे कब लेगा, इसकी तारीख और समय दोनों तय हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए, लेडी डॉन बनेगी गैंगस्टर की दुल्हनिया, जुर्म की दुनिया में आपने शादी तो बहुत देखी होगी, लेकिन अब आप एक ऐसी शादी देखने जा रहे हैं जो अपराध की दुनिया में तहलका मचाने जा रही है। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और गैंगस्टर संदीप की शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। 34 साल की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मेंच जेल में बंद गैंगस्टर काला जठेड़ी की दुल्हन बनने वाली है।
गैंगस्टर के प्यार में रिवॉल्वर रन। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर संदीप 12 मार्च को लेडी डॉन अनुराधा चौधरी से दिल्ली में शादी करेगा। इसके लिए काला जठेड़ी ने अदालत से पैरोल मांगी थी, जिसको मंजूर कर लिया गया है। दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने गैंगस्टर संदीप और काला जठेड़ी की शादी के लिए कस्टडी पैरोल दी है। गैंगस्टर संदीप को द्वारका कोर्ट ने 2 दिन के लिए 6-6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। कोर्ट ने जठेड़ी को 12 मार्च को दिल्ली में अपनी शादी की रस्म निभाने के लिए और 13 मार्च को हरियाणा के सोनीपत में गृह प्रवेश करने के लिए 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी है। इसके चलते 4 राज्यों की पुलिस की पैनी नजर के बीच इनकी शादी होगी। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मेंच जेल के बाहर है, जबकि संदीप और काला जठेड़ी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। काला जठेड़ी की दुल्हन बनेगी मैडम मेंच। अब आप ये भी जान लीजिए कि लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और मैडम मेंच कौन है और वो गैंगस्टर संदीप से शादी क्यों कर रही है। पहले आप ये जान लीजिए कि अनुराधा चौधरी को जुर्म की दुनिया में किन किन नामों से जाना जाता है। जुर्म की दुनिया में अनुराधा चौधरी को राजस्थान की लेडी डॉन कहा जाता है। पहले पति फेलिक्स दीपक मिंज से शादी और फिर तलाक के बाद अनुराधा को मैडम मिंज के नाम से जाना जाने लगा। लेडी डॉन अनुराधा चौधरी रिवॉल्वर रानी के नाम से भी कुख्यात है। अनुराधा चौधरी पर अपहरण, फिरौती, हत्या की साजिश, लूट, धमकाने जैसे गंभीर आरोप हैं। 34 साल की दुबली पतली, अंग्रेजी बोलने में तेज तर्रार अनुराधा ने दिल्ली के एक नामी कॉलेज से BCA में स्नातक किया है, ऐसे दावे किए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर संदीप की गर्लफ्रेंड अनुराधा पहले डॉन आनंद पाल के संपर्क में थी। आनंद पाल के एनकाउंटर होने के बाद अनुराधा ही उसके गिरोह को चलाती थी, लेकिन इसके बाद वो गैंगस्टर संदीप के संपर्क में आ गई और उससे शादी करने का फैसला कर लिया। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए लेडी डॉन अनुराधा चौधरी ने 5 दिसंबर 2022 को दो टूक कहा था कि वो गैंगस्टर संदीप से शादी जरूर करेगी और वो भी कानूनी तरीके से। मैं और संदीप मंदिर में शादी कर चुके हैं। कुछ लीगल इश्यूज की वजह से हम फिलहाल कोर्ट मैरिज नहीं कर पा रहे, लेकिन जल्दी ही हम लोग 2023 में कोर्ट मैरिज करेंगे। सात लाख का इनामी लेगा सात फेरे। काला जठेड़ी के शादी का कार्ड सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें शादी के कार्यक्रम की जानकारी दी गई है। 12 मार्च को जेल से बाहर आकर दिल्ली में शादी करेगा, उसके बाद 13 मार्च को सोनीपत में गृह प्रवेश के लिए उसे 6 घंटे की कस्टडी पैरोल दी गई है। शादी का भोज गांव में होगा, जबकि बारात दिल्ली के मठियाला स्थित गार्डन में जाएगी। इसके बाद 13 मार्च को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे गृह प्रवेश के लिए उसे जठेड़ी गाँव में जाने की इजाजत दी गई है। हम आपको बता दें कि गैंगस्टर संदीप और उसकी गर्लफ्रेंड लेडी डॉन अनुराधा को 2021 में दिल्ली के स्पेशल टीम ने गिरफ्तार किया था। दिल्ली के चर्चित पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद सुर्खियों में आए मोस्ट वांटेड गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी को दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 30 जुलाई 2021 को यूपी के सहारनपुर से गिरफ्तार किया था। गैंगस्टर संदीप पर 7 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। संदीप के खिलाफ दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान समेत कई राज्यों में मामले दर्ज हैं। 2 खूंखार अपराधियों की शादी पर पुलिस की सख्त निगाह है। अब देखना होगा कि 12 मार्च और 13 मार्च को लेडी डॉन अनुराधा चौधरी और गैंगस्टर संदीप उर्फ काला जठेड़ी की शादी की तस्वीरें कैसी आती है।